परिवार चैनल के सभी दर्शकों को पास्टर अमित मसीह का जय मसीह की। जैसा कि हम देख रहे हैं, विश्व समुदाय में इस समय कोरोना नाम का वायरस जो है वो बहुत तेज़ी से फैल रहा है और हमारा देश भी इससे पीछे छूटा नहीं है। बाइबल कहती है जिस तरह हम परमेश्वर के वफादार हों वैसे ही हम अपने देश की भी वफादार रहें। और इसके लिए मैं कुछ आपको बताना चाहूँगा कि हमारे देश में भी ये धीरे धीरे बढ़ के बढ़ रहा है और हमारे जो बरेली शहर है वहाँ पर भी कुछ ऐसे केस आए हैं। इसलिए हम लोगों से थोड़ा सा दूरी बना के रखें, 1 मीटर की दूरी पर रहें और मास्क ज़रूर पहने। कहीं बाहर से आएँ तो हाथ धो लें और भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचें। मेरी सलाह है आप सभी के लिए और ये प्रार्थना है कि परमेश्वर आपको सुरक्षा दे। उसने कहा मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, कभी नहीं छोड़ूंगा और मैं विश्वास करता हूँ वो छोड़ेगा नहीं। वह जो सावधानियाँ हमें बताई गई हैं हम उस पर अमल करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते हैं। खुदावंद, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा जय जयकार करते हैं, क्योंकि प्रभु जी आपने अब तक हमें संभाला है। हम इस विश्व समुदाय के लिए प्रार्थना करते प्रभु, जहाँ पर प्रभु जी एक महामारी के रूप में कोरोना वायरस जो प्रभु जी फैल गया है, इसमें बहुत से लोगों ने अपने प्राणों को खो दिया है और ऐसे लोग प्रभु जी जो निडरता के साथ उनको बचाने की सेवा कर रहे हैं, पिता हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं। पवित्र परमेश्वर उन पर अनुग्रह करे, दया करे, सामर्थ्य सुरक्षित रखे पिता, ताकि वो प्रभु जी इस कार्य को प्रभु आनंद के साथ करने पाए। हम प्रभु जी ये जानते हैं कि आप ही हमें बचा सकते हैं, सो प्रभु हम पतरस के समान आंधी तूफान को ना देखें वरन प्रभु हम तुझको देखने पाए। इस समय जरूरी है कि हम तुझको देखें, तुझसे ताके और खुदावन तुझसे ही प्राप्त करें। सो मेरी प्रार्थना है प्रभु अपने लोगों को सुरक्षित रखें, उन्हें बचाएं। सारी बातों के लिए खुदावन तेरा धन्यवाद, मसीह यीशु के नाम से आमीन।